इससे ज्यादा वो मुझसे बात नहीं हो रही है, फिर बात करूंगी। अस्सलामुअलैकुम तेरे बहन भाई, क्या चल रहा है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करते हैं कि आपसे बहन भाई भी ठीक ठाक होंगे। देखिए हमारी हो चुकी है सुबह और कैशा जा चुकी है स्कूल, तबीयत में कुछ बेहतर नहीं थी तो फिर उसे मैंने भेज दिया था स्कूल। और फिर मैंने खुद नाशा ले भी की है और आप जो है बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि कुछ रात के बर्तन थे वो तो ना सके बाद में खाने के बाद, क्योंकि अचानक से ही मेहमान आ गए थे और उन्होंने शेखता पी है, तो आज का मतलब जो भी भाव होगा रहिएगा मेरे साथ साथ, जो काम होगा हम शेयर करते रहिए अपने बहन भाइयों के साथ, क्योंकि आज भी कदम अभी तक नहीं आए। तो बाकी हमें जिंदगी जैसे देखा है ये समय घर लेकर है। तो जी अब मैं लगी हूँ आटा गूंदने, बर्तन धुल चुके हैं बस यहाँ पे, वो बड़े एक पतीला वो रह गया हुआ है, मैंने कहा वो बाद में धोती हूँ, पहले आटा गूंद के रख दूँ, क्योंकि अक्षा भी स्कूल से आने वाली है और भाई को भी भूख लगी होगी, तो क्योंकि ये बन जाएगा और आटा गूंद जाएगा तो रोटी बन जाएगी, थोड़ी सी दाल रखी है फ्रिज में वो गर्म कर लूँगी। रेड़ी वाला आया था मटर बेचने के लिए, तो वह वैसे मटर 80 रुपये है, 100 रुपये किलो बिक रहा है, 120 रुपये भी है, लेकिन जब मैंने उसे पूछा उसने कहा जी 50 रुपये पाओ, मैंने कहा भाई खड़े मेरे नहीं लेती, मैंने कहा मारिए इनकार कर दिया, मैंने कहा नहीं नहीं लेना, मैंने कहा जाए फिर मैं ऐसे ही अंदर आ गई हूँ, मैंने कहा मैं वो मटर लूँ, मैंने कहा 50 रुपये पाओ, मैंने कहा 200 रुपये की, मैंने कहा 2 किलो आ जाएंगे, ऐसे 200 रुपये की मैंने कहा किलो मटर लूँ, फिर मैंने नहीं लिया। अच्छा स्कूल से आ गई है, क्या हुआ तभी सही नहीं है, सर में दर्द हो रहा है और इधर चूड़े के काम चेक कर ले, चूहे चूहे के ये कुल्फी खा रहे इस वक्त। चलो ठीक है मैं रोटी बना दूँ आपको, सही है। और ये जो इनसे ये बर्तन रह गए बाकी मैंने सारे धो दिए, और ये दाल जो मैंने फ्रीज कर दी थी एक दिन निकाल के बचा कर, ताकि ये दाल मेरी बच जाए, क्यों मारिया जी, मैंने कहा था ये दाल आज बच जाएगी तो ठीक है, तो नहीं तो जिस दिन मेरी तबीयत ना ख़राब होगी फिर क्या बनेगा। अब आज ये है कि ये काम तो आ रही है ना जी, जैसे अभी जो बुखार है बड़ा, जैसे बुखार है, दाढ़ में भी दर्द है, कानों में भी तकलीफ है। मुझे ये क्या करेगा, दाल निकाल रही है, मैं दाल निकाल रही हूँ, दाल लीजिए ना, इसका मतलब बन चुकी है। पहले कहती थी कि जल्द ना दाल निकल जाएगी, लेकिन नहीं निकल रही है, अब इसको जो मसाला थोड़ा सा सेक लगा देते हैं यहाँ पर ना, गर्म कर लेते हैं इसे, और फिर वो बड़ी मुश्किल से निकली। चले निकल तो गई ना, अब ये है कि लंबी हो जाएगी, अब इसके साथ ही है ना रोटी वगैरह ही बना देते हैं। मैंने कहा था बड़ी बड़ी प्लाट में, मैंने कहा मारी आई है ना, मैंने कहा मुझे ना बड़ी प्लाट में अंडा डाल के दे दो, उसमें छोटी सी प्लाट में अंडा डाल दिया, जब गूंद लिया पानी डाल दिया, मैंने कहा ये क्या, फिर मैंने कहा मारिया मुझे तो आदत ही नहीं बेटे छोटी प्लाट में अंडा गूंदने की, मुझे बड़ी प्लाट दे दो, फिर मारिया ने ना मुझे बड़ी प्लाट दी। लगी है पेड़े, हाँ जी पेड़े हमारे बन रहे हैं, रोटी भी बनने लगी है, इधर मैंने हल्का सा पानी डालकर सारी गर्म करने लग गई है, तो ये पहली रोटी जी डालने लगी है। हाँ जी पहली रोटी मैंने कहा डाल दू, आटा भी ताजा ही गूंदा हुआ है और भूख से भी बुरा हाल है, खास कर तो कैशा का, वो कह रही मम्मा मुझे भूख लगी है, क्योंकि सुबह का बुलवा उसने नाश्ता किया है और शरीर की बुखार भी है उसे बहुत तेज, और भूख की वजह से सर में भी दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, मम्मा मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि बस खाने पीने का ना एक तवज्जो देती हूँ, इसे मैं बहुत समझाती हूँ कि भाई खाने पीने का ना भी तवज्जो दिया करो, बस जो चीज खाने की होती है वो उसने खानी नहीं होती, जो चीज नहीं खाने की होती है उसकी वो फरमाइश होती है मम्मा मैंने ये खाना है। फिलहाल करके बच्चों का यही होता है भाई जिस चीज में ताकत नहीं है उन्होंने वही जिद करनी है वही खानी है। ये रोटी लगी है सेकने, हाँ जी नरम नरम गरम गरम रोटी जी, चले मारिया तो मेरी कम कैमरा पर्सन बनी है ना, मारिया आप जाती है कैमरा पर्सन बन जाती है, मेरी गपशप लगाती रहती है बच्ची मेरे साथ बैठ के, और क्या है एक बार मकान चेंज करते हैं, तो मेरी पहली सिस्टर हमें पांचवा हो गई इस घर में, तो उन्होंने कहा था कि जैसे आप सामान इसे घर में रखेंगे हम आपको ऊपर वाले हिस्से के दरवाजे वगैरह भी लगवा देंगे, आप खुद सोचे कि मैंने 50 बार मीडिया में कहा कि हमें दरवाजे नहीं लगवा के दे रहे, आजकल कर रहे, तो जाहिर इस तरीके से साल पूरा हो जाएगा, 11 माह का स्टाम होता है, तो फिर हम 11 साल रेंट किसी लिए बन रहे हैं, हमारी कोई मिलने तो लगी नहीं है, तो भाई मेरी मिलने लगी हुई है, मैं आप
ऊपर वाला हिस्सा लगा किसी काम करने के लिए, मैं जो नीचे से सामान उठा उठा के सारा ऊपर रखती रहूँ, और यह ना कि ऊपर से सारा सफाया होता रहे, साथ साथ दीवारें हैं घर, ऊपर से सफाया होता रहे, मेरा सामान अगर उठ गया तो क्या आप लेके जाएंगे बताए मुझे? तो क्योंकि आपका कभी भी जो कमेंट आया ना, अच्छा कमेंट कभी नहीं आया, हमेशा जन ज्यादा दिल दुखाने वाले कमेंट आते हैं, कभी कोई कभी कोई, लेकिन ये अलग बात है कि मैं आपके कमेंट रिमूव नहीं करती, जिन हमारे बैर भाई के वो कमेंट लग जाते हैं फिर आपकी अच्छी खासी को करते हैं। लिहाजा मुझे शौक नहीं है मकान बदलने का, मैंने इन्हें अब भी मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई देखे हम कभी आज भी हमसे उन्होंने रेंट ले लिया, आज हम रेंट दे के उन्हें बैठे हैं, तो भाई नहीं हम कम नहीं करेंगे, जब कम नहीं करेंगे ना ऊपर वाशरूम का दरवाजा है, ना उसका कमरे का दरवाजा है, ना ऊपर सीढ़ियों का दरवाजा है, असल जो मुझे टेंशन ये बन गई है कि भाई मेरा सामान ऊपर इतना ज्यादा पड़ा हुआ, मेरी बड़ी पेटी उसमें सामान है, उसका सामान मेरा पड़ा हुआ, मेरा अगर ऊपर से सामान गायब हो गया तो कौन जिम्मेदार है? मैंने फिर इसे लिया लेकिन जब उनके मियां वो सोते थे बैठे हुए वो बात ही नहीं मानते, हाँ जी आज करवा लूंगा, हमने 20,000 एडवांस भी दिए इसमें किस चीज का? दरवाजे लगाने का, इसमें हमारा तो कसूर नहीं है बिल्कुल। एक एक निकालना बड़ा मुश्किल होता है, अब ये किस तरीके से ये समझना जा रहा है, और मैंने कहा ये भी साफ कर लो, और चाय भी मैंने बनने के लिए रखी है, मैंने कहा वो भी बन जाएगी, ये देखना जी इसमें अब कोई भी एक पहनी नहीं है बीच में, जो पत्ता वगैरह पे रह जाएगा वो हम बाद में कर देंगे, इसका असल तरीका यही है। तो ये देखे कितनी टहनियाँ इसमें से निकली हैं, अब एक एक टहनी चुनते चुनते मैं इतने में से ही शाम हो जाती है, मगर ये तरीका जो सा ना बिल्कुल आसान है और साफ भी बड़े अच्छे से हो जाता है, अभी भी जो सा परीक परीक है ना वो बीच में से निकल रहे हैं। आया तो फिर कामरान को ही भूख लगी थी, कम ही नाम है ना आपका कामरान, इमरान इमरान कम ही दूसरे, अच्छा चलो खाओ मेरा बेटा खाना, ठीक है आइयो, दो किलो थोड़े से ज्यादा मामू कह रहे हैं, चलो ठीक है। चावल बंट रहे थे ओन मोहम्मद भी चावल लेके आए और कैक्टर भी चावल लेके, मैंने ओन मोहम्मद के चावलों में से थोड़े से चावल चखने लगे, कहता मम्मा नहीं ये तैचा वाले खाओ आप, मेरे वाले ना खाओ, ये तैचा वाले खा लूं मैं, लाओ दे दो मुझे मैं तैचा वाले खा लेती हूँ, हाँ जी कैक्शा वो कह रहे कैक्शा वाले खा लो मम्मा मेरे वाले ना खाओ, अच्छा तो कपड़े चेंज कर लिए ना। तो जैसे कि बहन भाई आप सबको मैं अक्सर अपने ब्लॉग में कहती थी कि माँ जी के लिए दुआ कीजिए, दावलपिंडी से थी माँ जी, हमारी हमारी बीना सिस्टर है उनकी वो बहन थी, वो उनकी वालदा थी, आज उनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अल-फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और सब घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि मेरी काफ़ी बार वीडियो कॉल पे माँ जी से बात हो जाती थी और वो बहुत खुश होती थी देखकर और मुझे भी खुशी मिलती थी। अब एक हफ्ते से तो वो ज़्यादा ही बीमार थी, अल्लाह ताला ने जन्नत अल-फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और जब सुबह मेरे पास ऐसे में साया है तो यकीन माने मेरे पास ना तो वाईफाई थी, यहाँ पे वाईफाई भी आज बंद थी, इसमें कोई मसला आया हुआ था और लाइट थी, जब लाइट आई है तो वाईफाई का प्रॉब्लम था, तो मैंने खुद को कॉल की कि वाईफाई नहीं चल रही है तो आप जो उनसे ना कॉल करें, तो मैंने काफ़ी सारा अपना ब्लॉग बना लिया था उस वक्त जब मैंने पिछले से वाईफाई ऑन हुई है, तो मैंने देखा तो उनका मैसेज आया हुआ था, कसम से दिल जो उनसे अंदर से फट चुका है, क्योंकि हमारे सर पे भी माँ नहीं है, जब हमारी माँ दुनिया छोड़कर गई थी ना, हम दीवारों में टकरे मार मार के कहते थे कि कौन सा वक्त हो कि हमारी माँ हमारे पास है, जो अब दुख हो रहे अपनी परेशानी अपनी माँ को बताते थे, वो सुनती नहीं हमारी, तो आज कोई सुनने वाला नहीं, आज उस बिना बहन के सर पे भी हाथ रखने वाला कोई नहीं, उनका भी माँ का साया था जिस दुनिया से जा चुका है,
अगर हमें सुबह पता चलता तो मैंने, अब खुद हम भी यहाँ पे नहीं थे जो मैं उन्हें भेजी थी पिंडी। हाँ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अनकरीब जल्द मैं, ताकि मैं खुद को भेज सकूँ। तो बाकी सब बहन भाइयों से दुआ के अपील है कि उनके लिए मदद की दुआ करें। ये दुनिया फानी है, देख ले एक न एक दिन सबने जाना है, हम भी उन्हीं में से, हमने भी एक दिन वहीं जाना है, क्योंकि हम उनमें से हैं मरने वालों में से, वो हम में से नहीं। वो हम में से क्यों नहीं, क्योंकि वो तो दुनिया छोड़ के चले गए हैं और हमने भी एक दिन उन्हीं के पास जाना है। एक जिंदगी का, वो कहते हैं मौत का एक दिन मुकद्दर होता है, और हमने दुनिया छोड़कर चले जाना है। अल्लाह उनकी आफरत आसान करे, अल्लाह ताला उसके सबर जमील अता करे उनकी बेटी को, नवासा नवासियों को। मेरी यही दुआ है जो इस दुनिया से हमारी माँ जी चली गई हैं, और अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं इस माँ से वीडियो कॉल पे बात करूँगी। दूसरी माँ हमारी वो US से में, और अल्लाह ताला उन्हें भी जिंदगी दे, सेहत दे, उनके लिए भी लाजमी दुआ करें कि वो भी काफ़ी बीमार, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करें। और जो जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो अल्लाह ताला सबको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। और माँ जी मिस यू, क्योंकि आज आप दुनिया छोड़कर चली गई, मैं आपको देख भी ना सकी, लेकिन फोन में हाथ में आज ले गई इसलिए बैठी उस वक्त, क्योंकि मैंने कॉल की है, मैंने कहा मुझे वीडियो कॉल पे मुझे दिखा देना। उस माँ से मुलाकात तो ना हो सके लेकिन वीडियो कॉल पे बात होती थी, आज मैं उनसे उन्हें फोन पे देख तो लूंगी, जाते हुए उनका दीदार तो कर लूंगी। मजीद इससे ज्यादा उनसे बात नहीं हो रही है, फिर बात करूंगी। बनाने लगी हम चाय। जी जी, क्योंकि मामू ने पीनी है चाय, और आप सब बहन भाइयों को पता है कि वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा है। तो मेरे इस वक्त खुद एक तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब थी, उस समय मैं बहुत ज़्यादा मरीज हो गई, और मेरा जो रोज मेरा के काम है वो तो दिखता नहीं है, वो तो करना ही पड़ता है काम तो। मैंने कहा भाई सारा चाय बना लूँ और भाई को भेज दूँ, थोड़ी सी चाय जो उनसे ना खुद भी पी लूँ, फिर अपनी मेडिसिन लेती हूँ, और फिर यहाँ की उनसे ना सफाई वगैरह ना वो कर लेती हूँ। पानी गर्म करने के लिए इसलिए रख लूँ कि कैशा भी ना लेगी और ऑन मोहम्मद को भी नहीं लाना है। मैं कल लाऊंगी। कल लाऊंगी आप, चलो आप कल ला देना, ऑन मोहम्मद को तो नहीं लाना है ना बेटा।